गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीक के पहले दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके अगले दिन आप उसका रिवीजन करते हैं। आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं ओपन ऑफिस में इंप्रेस का उपयोग क्यों करते हैं? इंप्रेस की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर टेक्स्ट को ऐड करके उसे आप और भी बेहतर बनाकर किसी दूसरे को दिखा सकते हैं। क्या बता सकते हैं लाइन एंड फिलिंग टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? लाइन एंड फिलिंग टूल बार की मदद से आप अपनी किसी पिक्चर और ड्राइंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि लाइन का कलर बदलना, किसी ड्राइंग में कलर को फिल करना इत्यादि। क्या बता सकते हैं स्लाइड बार स्लाइड पेन क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड लेआउट के अंदर आप उन सभी स्लाइड को देख सकते हैं जिन स्लाइड पर आप काम कर रहे होते हैं। क्या बता सकते हैं स्लाइड लेआउट क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड लेआउट अलग अलग प्रकार के स्लाइड लेआउट होते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार इन स्लाइड लेआउट का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्लाइड पेन और स्लाइड लेआउट में क्या अंतर होता है? स्लाइड पेन से आप कितनी स्लाइड लिया है ये देख सकते हैं। अगर आप किसी एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो स्लाइड पेन से मूव कर सकते हैं। स्लाइड पेन से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। इसकी मदद से आप स्लाइड को डिलीट या स्लाइड डिजाइन कर सकते हैं। जबकि स्लाइड लेआउट से आप अपने स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। यहाँ लेआउट से मतलब है स्लाइड का डिजाइन या किसी प्रकार से रखना चाहते हैं। स्लाइड लेआउट से ब्लैंक स्लाइड या कंटेंट स्लाइड में बदल सकते हैं। स्लाइड पेन आप सिर्फ और सिर्फ टोटल स्लाइड के बारे में जान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड लेआउट में आप स्लाइड का डिजाइन मतलब कि उसका लेआउट भी बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इम्प्रेस में टेक्स्ट टूल का उपयोग क्यों करते हैं? इम्प्रेस में टेक्स्ट टूल की मदद से आप टाइप कर सकते हैं। अब आप सभी अपने अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से इम्प्रेस की फाइल को ओपन करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब स्टेप वाइज तरीके से इम्प्रेस की फाइल को ओपन करना सीखते हैं। सबसे पहले अपना कर्सर या अपना पॉइंटर स्टार्ट बटन पर लेकर आए, लेफ्ट क्लिक करें उस पर, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, जिससे फिर से एक बॉक्स आ जाएगा, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहां आपको ओपन ऑफिस 4.1.1 ढूंढना है। जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाए, अपना कर्सर वहां पे लेके जाएंगे और लेफ्ट बटन दबा देंगे, जिससे ओपन ऑफिस के फीचर्स सारे दिखाई देंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन करनी है, इसीलिए ओपन ऑफिस इंप्रेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। क्योंकि हमें एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, इसीलिए एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और फिर जाके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आज आप क्या सीखेंगे। आज आप चार स्लाइड बनाएंगे। पहली स्लाइड में आप अपने बारे में टाइप करेंगे, दूसरी स्लाइड में आप अपने स्कूल के बारे में टाइप करेंगे, तीसरी स्लाइड में आप ड्राइंग करेंगे और फोर्थ स्लाइड में आप दिखाए गए चित्र की तरह बनाकर दिखाएंगे। ध्यान रहे, तैयारी
पहली दो स्लाइड टाइटल लेआउट के साथ में होनी चाहिए और बाद की दो स्लाइड ब्लैंक लेआउट में होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग करने के लिए ब्लैंक स्लाइड होती है। अब आप सभी स्लाइड लेआउट में से टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करें और फिर उस स्लाइड में अपने बारे में 5 लाइन लिखें। अगर कोई समस्या होती है तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि स्लाइड में अपने बारे में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे हमने लेफ्ट बटन को क्लिक किया और वहां पे हमने टाइटल दे दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे अबाउट माई सेल्फ लिखा। अब जहां पे लिखा हुआ है क्लिक टू एड टेक्स्ट, हमने कर्सर को वहां पे ले गए और वहां पे जाकर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और कीबोर्ड की मदद से हमने टाइप किया। इस प्रकार से हम पहली लाइन को टाइप कर लेंगे। अब हमें नई लाइन पे जाने के लिए एंटर बटन का उपयोग करेंगे, तो कीबोर्ड में एंटर बटन को एक बार प्रेस करेंगे जिससे नई लाइन आ जाएगी और उस लाइन में हम अगली लाइन को टाइप करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से नई लाइन चाहिए, एंटर बटन का उपयोग करेंगे। अब हम तीसरी लाइन को टाइप करेंगे। वीडियो की मदद से आप सभी भी टाइप करें। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से तीसरी लाइन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें और फिर से कीबोर्ड की मदद से टाइप करें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर से एंटर बटन का उपयोग करें। दिखाया जा रहा वीडियो की तरह टाइप करें। इस प्रकार से आप अपने बारे में टाइप कर सकते हैं। क्या आप सभी ने अपने बारे में लाइन टाइप कर चुके हैं? अब आप एक नए स्लाइड लेकर दिखाएं। क्या आप बता सकते हैं कि न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं? स्लाइड पेन में आप राइट क्लिक करें, फिर न्यू स्लाइड लिखे ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपकी नई स्लाइड आ जाएगी। अब इस स्लाइड में अपने स्कूल के बारे में लिख के दिखाएं। क्या आप सभी ने अपने स्कूल के बारे में लिख लिया है? आइए अब तीसरी स्लाइड को लेते हैं। अब आप सभी तीसरी स्लाइड को लेकर दिखाएं। क्या आप सभी ने न्यू स्लाइड ले लिया है? अब इस स्लाइड में हम ड्राइंग टूल बार की मदद से कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के लिए हमें ब्लैंक स्लाइड की जरूरत पड़ती है। आपने गौर किया होगा, जब आपने न्यू स्लाइड लिया था तो वह टाइटल स्लाइड में आया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले आप टाइटल स्लाइड का उपयोग कर रहे थे। आप जिस स्लाइड लेआउट का उपयोग करेंगे और जब आप न्यू स्लाइड लेंगे वह उसी स्लाइड लेआउट में आएगा। अब आप स्लाइड लेआउट में से जाके ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट करें, जिससे आपकी स्लाइड ब्लैंक में आ जाएगी। अब आप सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं।
अगर नहीं तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाएं। अब हमें एक नई स्लाइड चाहिए, इसलिए स्लाइड पेन में हमने राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड ले लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए, इसलिए लेआउट में जाके हमने ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, जिससे आपकी स्लाइड ब्लैंक हो जाएगी। हमें ड्राइंग करनी है तो हम ड्राइंग टूल बार में गए और हमने अपने पसंद की एक ड्राइंग सिलेक्ट कर ली, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक स्माइली को सिलेक्ट किया। इसी प्रकार से आप भी स्माइली को सिलेक्ट करें और स्लाइड में जाकर ड्रैग कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके साइज को कम ज्यादा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आप इसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो जो बाहर दिखाया गया था वो डॉट्स हट जाएंगे। अगर फिर से सिलेक्ट करना है तो इस इमेज पे एक बार जाके लेफ्ट बटन दबा दें, जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसके आउटलाइन को बदलना चाहते हैं या उसके लाइन के कलर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल लाइन है, अगर आप इसके लाइन को बदलना चाहते हैं या इसकी लाइन को विड्थ ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, ऊपर वाले बटन से इसकी साइज को आप ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं जैसे हम नंबर को बढ़ा रहे हैं तो इसकी साइज बढ़ रही है। अगर आप लाइन को कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर इसके अंदर कलर फिल करना है तो ये ऑप्शन दे रखा है कलर फिल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे अलग अलग ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नन, कलर, ग्रेडिएंट, बिटमैप, इनमें से जो भी आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर लें। फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद से जो डिजाइन आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके ड्राइंग के अंदर आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्माइली को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो चेंजेस किया था, लाइन स्टाइल, विड्थ, ग्रेड, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से आपकी इमेज कंप्लीट हो जाएगी। अब आप फिर से न्यू स्लाइड लेकर दिखाएं। अब आप सामने दिए गए चित्र में इस ड्राइंग को खुद से बनाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। हमें ड्राइंग करने के लिए फिर से एक नई स्लाइड चाहिए, तो स्लाइड पेन में जाकर हमने राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दिया, जिससे एक नई स्लाइड आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस बार बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आई है। अब ड्राइंग बार में जाकर शेप्स में कोई से भी एक शेप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्यूब को सिलेक्ट किया गया है, तो आप भी क्यूब को सिलेक्ट कर लें और फिर स्लाइड में जाके ड्रैग करें, जिससे ये क्यूब बन जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमें इसके आउटलाइन को चेंज करना है, आउटलाइन की लाइन को चेंज करना है, तो यहाँ लाइन पे जाके आप इसकी लाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसकी लाइन के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आप कोई से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं इसकी लाइन के कलर को चेंज किया। अब इसके अंदर कलर फिल करना है तो हमने यहाँ पे जाके बिट मैप ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन आ गया है। अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे इसके अंदर वे स्टाइल आ जाएगी।
इस प्रकार से ये आपकी इमेज कंप्लीट हो जाएगी। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी अपने इम्प्रेस की फाइल को क्लोज करें। अगर कोई समस्या होती है तो वीडियो की मदद से सीखें। अब आइए सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को क्लोज बटन पर लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना तो डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी और फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की कक्षा में आपने चार स्लाइड बनाया। पहली स्लाइड में आपने टेक्स्ट टूल की मदद से उसमें अपने बारे में टाइप किया। दूसरी स्लाइड में आपने टेक्स्ट टूल की मदद से स्कूल के बारे में टाइप किया। तीसरी स्लाइड में आपने ड्राइंग टूल बार की मदद से ड्राइंग किया। और आखिरी की स्लाइड में आपने दिखाए गए चित्र की तरह बना के दिखाया।